राहत से भी यही कहूँगा कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है आप पहले ही एक कॉन्ट्रोवर्सी से गुजर रहे थे जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था गाया करें तो स्टेज पे मैं राहत से कहूँगा बग्गे का जिक्र किया करें उसकी तारीफ भी किया करें वो इतना स्वीट इंसान है अच्छा आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं या सिंगर्स की किसी भी कैटेगरी में आते हो वो आपस में उनका इतहाद है क्योंकि ये मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि रिसेंटली जो साहिर अली बग्गा और राहत फतेह अली खान की कंट्रोवर्सी हुई है क्रेडिट uh, तो मिलना चाहिए राहत तो एक बड़ा बड़ा फनकार है ना मुल्क का बल्कि मैं अगर कहूँगा कि सबसे माशाल्लाह वो पॉपुलर फनकार है तो गलत नहीं होगा और तो उसको तो ज़रूर इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए कि उसका क्रेडिट भी दें और आपको पता है कि एक जो पब्लिशिंग uh, राइट्स होते हैं हुँ. उसमें कंपोजर का एक हिस्सा होता है वो अगर रॉयल्टी दस रुपये बनी है तो ढाई रुपये या दो रुपये जो होते हैं वो पब्लिशर्स को जाते हैं और उसमें जो राइटर होता है उसका भी हिस्सा होता है जो कंपोज़र होता है उसका भी हिस्सा होता है तो उसका हिस्सा बनता है अगर दो बिलियन व्यूज़ हैं तो आई एम श्योर वो हिस्सा भी मिलियंस में बनता होगा बिल्कुल। एक ऐसे इंसिडेंट आपके साथ भी तो हो चुका है वो आपका पंजाबन का का सॉन्ग भी मेरे तो बड़े हो चुके हैं ना इंसिडेंट्स वो तो उसने वो, ए, 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 एल्बम्स की एल्बम्स ने किसी वक्त में डिजिटल पे चढ़ा दी उस वक्त हमें पता नहीं होता था ये क्या क्या नहीं तो वो अब वो क्लेम करके बैठा हुआ है तो हैंग मेरी जाली सिग्नेचर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया हुआ है

एक तो एक तो इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जो किसी की दिल आज़ारी करें लेकिन बाजूक होता है कि दिल दिल जब टूटा होता है ना तो फिर टूटे हुए दिल की आवाज़ें और तरह की होती है वो निकल भी आती है जज्बात से तो कहीं ना कहीं शायद नासाफ़ी भी हुई होती होगी तो मैं राहत से भी यही कहूँगा कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है अल्लाह ने आपको इतनी इज़्ज़त दी है आप पहले ही एक कॉन्ट्रोवर्सी से गुजर रहे थे जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था आ, लेकिन साथ ही आ, अगर ये है तो जो हक बनता है ना दे दिया करें यार मतलब अगर उसने कॉम्पोजिशन बनाई है तो वाई नॉट टू गिव द क्रेडिट मुझे ये नहीं समझ आती मेरा मेरे कई गाने मैंने लोगों के गाए और मैं स्टेज पे उनका बताता हूँ जिस तरह वो था ना हाण कुटया नी वाण कुट नियाजी साहब का गाना था ये मेरा अच्छा? नहीं था हाँ क्या नाम था उनका तुफैल न्याजी और अच्छा मैं क्योंकि आपकी आवाज़ में हमेशा सुना हाँ मुझे आपको लग नहीं रहा था कि वो आपका ही गाना नहीं मैंने कई दफ़ा लोगों को बताया जिस तरह वो वो उस वक्त उन्होंने और तरह से बड़े प्यारे तरीके से गाया हुआ गा था नीवण कुटे नीवान कुटे वान कुटे तेर सानू रे छोड़ ये गाना ये उनका है अली का गाना है अली जफर का छन्नों की आँख ये एक इंडिया का था धनो की आँख में शाम का नशा है धन धन दिया ना ना। पिछले दिनों मैंने सुना था मैं बड़ा हैरान हूँ मैंने कहा ये धनो की तो क्रेडिट किसी को भी देने से आपकी इज़्ज़त अल्लाह कभी कम नहीं करता बल्कि आप बड़े इंसान बन जाते हो मेरे और पता नहीं कौन कौन सा गाना मैंने अमजद इस्लाम अमजद साहब के गाने गाए हैं बल्कि गाया करें तो स्टेज पे मैं राहत से कहूँगा बग्गे का ज़िक्र किया करें उसकी तारीफ़ भी किया करें मतलब बग्गे को मैं इतना पुराना जानता हूँ वो इतना स्वीट इंसान है यानी हमारा एक बैंड था उसमें बग्गा वॉज अ ड्रमर हमने पूरी दुनिया के शोज़ किए हैं लेकिन उसके अंदर उस वक्त भी एक बहुत बड़ा इंसान और बहुत बड़ा फनकार था वो ही वॉज ओनली अ ड्रमर ही थाट ही वॉज अ ड्रमर बट आई नेवर ही इज़ जस्ट अ ड्रमर वाई बिकॉज वो बड़ा इंसान है मैंने उसके उसके स्टूडियोज़ में लोगों को काम करते हुए देखा मैंने कहा यार तूने इतने बंदे क्यों रखे हुए हैं कहता भाईजान अल्लाह वास्ते रखे नहीं बेचारे के पास नौकरी नहीं थी मैंने कहा चलो इधर काम कर लो मैंने उसको भी ये बेचारे का मैं फ्री गाना बना के दे रहा हूँ कभी किसी को दे रहा है कभी किसी को दे रहा है मैं सोचता था बाकी जितने मैं देखता हूँ ये जो म्यूजिशंस फैमिलीज़ हैं वो तो इस तरह की नहीं है ये इनमें से स्पेशल है इसको अल्लाह इज़्ज़त ज़रूर देगा बेशक आज देखें अल्लाह ने उसको कितनी रिस्पेक्ट दी है कि वो मतलब मुझे तो नहीं पता था कि ये राहत का गाना ये इसने कम्पोज किया मुझे बायोड नहीं पता था और इससे जो पुराना जो था वो भी सुपर हिट हुआ था वो भी राहत ने गाया वो भी इसी का था ना इन्होंने इसमें जो अपनी पोस्ट थी उसमें उन्होंने लिखा कि इससे पहले भी वो गा चुके हैं लेकिन उन्हें इस गाने का तो जैसा कि आपने बात आवाज निकलती है, वो शायद फिर कुछ ऐसी ही हो उसके बाद लेकिन ये देखिए बड़ा इंसान वो होता है जो किसी को अपने से कमतर या छोटा नहीं समझता हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों को अल्लाह ने स्टार बना दिया सारा हमसे हज़ारों लोग अच्छे गाते हैं अच्छा लिखते हैं अच्छी ट्यून्स बना लेते हैं सारा कुछ है तो हम कहें कि अब हम बहुत बड़े हो गए हैं तेरा नहीं बांधा मेरे नाल तो वो बहुत गलत बात है तो राहत इतना स्वीट आदमी है इतना अच्छा उसका इखलाक है मुझे जब भी मिला है उसे बहुत प्यार से एहतराम से डॉक्टर साहब मेरे बुजुर्ग थे मलिक हुसैन वशर साहब वो उनके घर पे भी वो उनको बुलाया करते थे छोटी सी महफिल होती थी हम बैठ के सुनते थे हम सारे फ़ैन्स हैं राहत के और इनके तो उनको चाहिए कि ज़रूर इस पर नज़रसानी